प्रदेश सरकार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बाद में अब ग्रामीण क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल और आंदोलन करने की चेतावनी देकर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देगा। लंबे समय से हमारी लंबित मांगों पर सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन किया जाना तय किया गया है, जिसके प्रथम चरण में 4 जनवरी जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। 14 दिवस के अंदर यदि निराकरण नहीं किया गया तो द्वितीय चरण में आंदोलन 23 जनवरी से 28 जनवरी तक जिला स्तर पर किया जाएगा। इसके उपरांत भी यदि निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। अभी करो, अर्जेंट करो, फूल है चिंगारी है, फूल है चिंगारी है, करते हुए सभी शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाए। दूसरी मांग, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के समन्वय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों में संशोधन करते हुए मानदेय या मान सेवा की जगह नियमित और सीधी भर्ती की जाने की निगाह। हरदा जिले की समस्त आंगनवाड़ी इकाइयों में ताले लगेंगे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। तहसीलदार साहब का धन्यवाद। शायद मांगों के ओर आकर्षित कराया जाता है। अगर ये मांगे हमारी 14 दिन में पूरी नहीं होती हैं, तो 23 तारीख से 28 तारीख तक काम बंद हड़ताल पर सभी कार्यकर्ता सहायिका रहेगी। सबसे पहली मांग, मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी। मेरा नाम अर्चना गौर है, जिला अध्यक्ष हूँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन था, क्या मांगे हैं आपकी, कितनी मांगे? आज हमने 11 सूत्री मांग रखी गई है सरकार को। क्या क्या मांगे आपकी? इसमें सबसे पहले तो हमने, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, पहली मांगे हमारी। अन्य मांगे और क्या आपकी? अन्य मांगे हमारी है, छलोत्र है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मसंगाँव से हूँ और आज हमने सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया है उसमें हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सबसे मुख्य मांग है कि हमें नियमित कर्मचारी बनाया जाए और जब तक वो हमें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक कार्यकर्ता को 18,000 और सहायिका को 9,000 रुपये वेतन दिया जाए। इसके बाद हमारी दूसरी मांग ये थी कि हमें स्वास्थ्य के लिए भी कुछ भी नहीं दिया जाता, उसमें हमें 5,00,000 रुपये का बीमा प्रति कार्यकर्ता सहायिका सरकार को कराना चाहिए। और ये सारी मांगे जो थी हमारी 11 सूत्री मांगे, इनको सबको लेके जब आज हमारी बहनें इकट्ठी हुई हैं तो अभी हमने 14 दिन का समय सरकार को दिया है, या तो सरकार हमारी इन मांगों को मान लिए या तो फिर नहीं मानने पर हम 23 तारीख से 28 तारीख तक कलम बंद हड़ताल करेंगे। इसकी पूरी जवाबदारी शासन की होगी, उसमें हम कोई शासन का काम नहीं करेंगे। शासन ने हमें महिलाओं को या तो अबला समझा है या वो ये समझ रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं है, काम की हमारे ऊपर इतना बर्डन है और उसके बाद भी जब हमें हमारा घर गृहस्थी चलाने के लायक वेतन नहीं मिलेगा तो अब हम कलमबंद हड़ताल जो हमारी हो रही है उसकी जवाबदारी भी स्वयं सरकार की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।